अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉपियर इंजीनियरिंग। आज मैं आपको बताता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से मशीन का प्रिंटर चलाने का तरीका। अपने मोबाइल से भी आप मशीन पे प्रिंट दे सकते हैं। ये मशीन ऑन की है मैंने, ये थोड़ी देर लेगी, तकरीबन 30 सेकंड के करीब लेगी। ओके, प्लीज़ वेट है। ठीक है, याद रहे जिस भी मोबाइल से आपने प्रिंट देना है ना, ठीक है, उस मोबाइल का वाईफाई आपकी डिवाइस पे कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसी वाईफाई की मॉडम में से ना एक तार लेके आनी है, आपने इसमें लगा देनी है। ठीक है, एक हिसाब ने लगा देना है, साइड ए लगा देनी है मॉडम में और साइड बी मशीन के अंदर प्लग कर देनी है। ठीक है, अभी इस पर लगा हुआ है लॉगिन, ये रहा, सिक्योरिटी लगी हुई है इसीलिए ये मसला कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, लॉगिन को रिमूव करने के लिए मेरी पिछली वीडियो पे ये है, उतनी देर में मैं इसे लॉगिन रिमूव करता हूँ, तो मिलते हैं जी। तो हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे वाईफाई को अटैच कर लेना है। ठीक है, वाईफाई को अटैच करके ओपन करेंगे। ठीक है, वाईफाई पे हम क्लिक करेंगे, एडवांस पे आएंगे, तो ये जो हमारे नेटवर्क का आईपी आ रहा है ना, तो ये है आईपी 192.168.1.30। ठीक है, ये आईपी आपने कहीं पे लिख के रख लेना साइड पे। ठीक है, बैक करेंगे, प्ले स्टोर हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है रिको कनेक्टर। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे ओपन आ रहा है, मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, तब तक चलते हैं मशीन की स्क्रीन पर जी। तो हम आ गए मशीन की स्क्रीन पर। ठीक है, लॉगिन जो आ रहा था हमने वो रिमूव कर लिया, अब हमने मशीन पे आईपी देना है। ठीक है, मशीन को आईपी एड्रेस देना है, हमने यूज़र टूल पे जाएंगे, सिस्टम सेटिंग पे, इंटरफेस सेटिंग, मशीन आईपी एड्रेस। ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे। अभी जो हमने आईपी एड्रेस देखा था अपने वाईफाई डोमेन का, उसे हम लगाएंगे 192.168.1। लास्ट पे हमारा 30 आया था। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसे 50 कर देते हैं। ठीक है, हैश करेंगे, एंटर हो जाएगा। सबनेट मार्क हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबनेट मार्क 255.255.255। ठीक है, इसे हम हैश पे ओके करेंगे। ओके, आईपी गेटवे आ जाएगा, हमने ये गेटवे देना है 192.168.1.1। ठीक है, दोबारा हैश करेंगे, सारी सेटिंग होगी। ठीक है, यहाँ से हम एग्ज़िट कर देते हैं, वापस आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जी। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, इसे आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इसे मिलाना है, ऐड मशीन पे आएंगे हम, ऐड बाय आईपी एड्रेस होस्ट नेम, इसे दबाएंगे। अभी जो हमने मशीन का आईपी दिया है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.50। इसे ओके करेंगे, मशीन सर्चिंग पे आ गई। करेंगे जी, तो थोड़ी सी ये सर्चिंग के बाद हमें मशीन का ये बता देगा, आइकन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी मशीन का आइकन आ गया, इसे हम रजिस्टर करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास पहले भी काफ़ी ज़्यादा मशीन आई थी, अभी ये आई है ऑफिशियो MP3352। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट देने के लिए वापस बैक आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, एल्बम डिवाइस है। ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रिंट, ये अगर आपके पास है फाइल में है, जहाँ भी है पीडीएफ फॉर्म में है, वो आपने सेलेक्ट करना है। अभी मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट सेटिंग पे आ जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ओके, A4 पेपर, अभी मेरे पास लेटर साइज़ लगा हुआ है, लेटर साइज़ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
ओरिएंटेशन मांग रहा है, वर्टिकल पे लगा हुआ है। अगर डबल साइड है तो इसे डबल साइड पे काट देना है, टॉप ओपन टू लेफ्ट, ठीक है। अभी हमारा सिंगल साइड है, सिंगल साइड काट देना है। ट्रे टू सिलेक्ट है, इसे स्टार्ट करेंगे जी। तो हम ये अब स्टार्ट करेंगे तो ये प्रिंट पे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसे स्टार्ट के बटन पे दबा के चलते हैं मशीन की तरफ। अभी यहाँ से सेंडिंग फिनिश हो गया, देखिए डाटा इनकी लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। अभी ये नीचे प्रिंट आ रहा होगा, ये रहा वो प्रिंट जो अभी हमने अपने मोबाइल स्क्रीन से दिखाया था आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।